बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए एक न्यू प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, सुजुकी महरान। ये आप देख सकते हैं पीछे। और मज़े की बात क्या है कि गाड़ी की हमने कंप्लीट डेंटिंग पेंटिंग की है, इंजन का काम किया है, सस्पेंशन का काम किया है और काफ़ी सारे जाना और भी काम किए हैं, इसके इंटीरियर में भी काम किए हैं। और ये तकरीबन गाड़ी हमने एक हफ्ते में जाना तैयार किया, पूरा एक हफ्ता इसको हो गया और एक हफ्ते में जाना हमने सारी की सारी गाड़ी तैयार कर ली, यानी कि 7 दिनों में डेंटिंग पेंटिंग भी, इंजन का काम भी और इंटीरियर का सारा काम भी किया। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ सारी। ये देखें, टोटल गाड़ी तैयार हो गई है। पहले आपने देखा था कि ये जब गाड़ी हमारे पास आई थी, बड़ी बुरी हालत थी इसकी। इसके ऊपर जो है ना, स्क्रैचेस वगैरह बहुत ज़्यादा थे इस गाड़ी पर, डेंट्स भी थे, बहुत ज़्यादा भी बुरी हालत नहीं थी इसकी, यानी कि नॉर्मल कंडीशन थी इसकी, तैयार होने वाली थी सारी। तो ये सारी हमने तैयार की है और ये देख सकते हैं आप, फ्रंट बोनट इसका बहुत बुरी हालत में था, तो बोनट इसका चेंज किया, वो एक्सीडेंट था इसका पुराना बोनट, उसकी सारी यहाँ से पटीने वगैरह फटी हुई थी, तो बोनट हमने चेंज करके नया डाल दिया। इसकी छत और इसकी जो डिग्गी है वो ओरिजिनल कलर में है, बाकी गाड़ी जो है ना वो सारी रीपेंट की गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छा वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो के एंड में आपको इसकी डिटेल भी बता दूंगा, इसके ऊपर कितने पैसे लगे हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि आप लोग गिला करते हैं कि यार बताते नहीं हो कितने पैसे लगते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो आप देख रहे हैं, फ्रंट हेडलाइट्स वगैरह इसकी अपनी है, इसकी ग्रिल नहीं डाली गई है, इसका फ्रंट बम्पर नया डला है, ठीक है जी, और बॉनेट नया डला है, ये देख सकते हैं आप, इसके वाइपर वगैरह चेंज किए गए हैं। फिर इसमें जो है इसके टायर और रिम, ये दोनों चीज़ें नहीं डली हैं, ये टायर देख लें ब्रांड न्यू डलवाए हैं, ठीक है, और ये इसके सादे रिम जो हैं ये भी नहीं डले हैं, और ये ऊपर व्हील कैप भी जो है ना जेन्युइन लगवा दी हैं। तो ये टायर्स वगैरह जो हैं इनके भी मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, तो ये तकरीबन टायर और रिम जो है ना ये 45,000 रुपये के आए हैं, इसके जो जेन्युइन साइज़ के आते हैं ना 12 के, ये वो वाले टायर हैं 145/70/12। ये देख सकते हैं जी इसकी राइट साइड, ये देख लें, और ये गाड़ी हमारे पास पिंडी से आई है और आज ये वापस जाएगी इंशाल्लाह ताला, तैयार हो गई है सारी। इंटीरियर भी आपको दिखाऊंगा, आपको देख के मज़ा आएगा, पहले बाहर से आपको सारी गाड़ी दिखा देता हूँ। ये देखें इसकी बैक लुक है, डिग्गी इसकी ओरिजिनल कलर में है, इसको हमने रिपेंट नहीं किया, इसके ऊपर हल्की पुल्की कलमें लगने वाली थी वो लगा दी थी। ये VX है, इसके ये बम्पर वगैरह हमने रिपेंट किए हैं नए डाल के, फ्रंट बैक बम्पर, बैक लाइट्स भी इसकी नई डली हैं, ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो गई, ऐसी लग रहा है जैसे ये नए मॉडल की गाड़ी है, 2006 मॉडल की ये गाड़ी है असल में, और अब आपको देख के ये लग रहा होगा कि ये 2018-19 मॉडल की गाड़ी है। इसी तरह आपको मैं इसकी ये राइट साइड, लेफ्ट साइड भी दिखा देता हूँ, तो ये लेफ्ट साइड भी देख लें, बड़ी ज़बरदस्त पेंट हो गई है, ये देख सकते हैं, ये शाइन भी बड़ी ज़बरदस्त आ गई है पेंट में। पेंट अक्सर लोग पूछते हैं कि आप पेंट कौन सा यूज़ करते हैं, हमारा जो है ना इम्पोर्टेड पेंट होता है 2K का, तो वो वाला हम यूज़ करते हैं इसमें, इसीलिए पेंट की जो है ना वो शाइन अच्छी आती है और इसकी लुक अच्छी निकलती है गाड़ी की। उसके अलावा इसके ये साइड मिरर्स के बारे में आपको बताना था, ये साइड मिरर जो है ये चेंज किए गए हैं, इसके अपने जो है वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं आते, ये ज़रा बेहतर क्वालिटी में है, तो ये वाले इसमें साइड मिरर लगाए गए हैं। अभी आपको मैं इंटीरियर दिखा देता हूँ इसका, इंटीरियर में जो काम किया गया, तो ये देख सकते हैं जी, इसके सबसे पहले एक गत्ते, ये इसको नए लगाए हैं Euro 2 वाले जो नई महरान में आते थे, ये देख सकते हैं आपके सामने है, इसके अंदर ये फैब्रिक भी इसका यही वाला आता है और जेन्युइन गत्ते हैं ये इसके, ये दूसरी साइड के भी आप देख लें। उसके अलावा इसके हमने मुकम्मल जो है ना वो सीटें तैयार करवाई हैं, ठीक है, इसका भी मैं आपको ख़र्चा बता दूंगा, ये तकरीबन 15,000 रुपया इसकी सीटों पर लगा है, सीटें इसकी तैयार हो गई हैं बिल्कुल जेन्युइन Euro 2 वाली, और ये जो भी मैं प्राइसेस वगैरह बता रहा हूँ ये आपको आज की डेट की बता रहा हूँ, जैसे जैसे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, डॉलर की प्राइस बढ़ती हैं, तो इनकी प्राइसेस जो है ना वो चेंज हो जाती हैं, क्योंकि मटेरियल सारा बाहर से आता है। तो ये देख सकते हैं फोम वगैरह भी इसके ये बेहतरीन हो गए हैं, ठीक है, उसके अलावा इसके ये इसके ऊपर स्टिचिंग करवाई है लेदर की स्टेयरिंग कवर के ऊपर, ये देख सकते हैं डैशबोर्ड वगैरह इसका साफ़ सुथरा करवा दिया गया है। अभी आपको मैं बैक साइड से भी दिखा देता हूँ, तो ये बैक सीट्स भी आप देख सकते हैं, ये देखें बैक सीट्स, ये भी उसी तरह ही जैसे फ्रंट वाली तैयार करवाई हैं Euro 2 वाले डिज़ाइन में स्टाइल में, ये भी उसी तरह से सारी तैयार हो गई हैं, ये देख सकते हैं दरवाज़ों के गत्ते भी सेम एज इट इज़ लगा दिए गए हैं।
मुकम्मल गाड़ी जो है ना वो बड़ी अच्छी तैयार हुई है। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी है और हमारा काम कैसा लगा। अच्छा दोस्तों, आपको भी इसका इंजन का भी दिखा देता हूँ सारा। इसके इंजन का हमने काम किया है, इसके रिंग वगैरह डाले हैं, ठीक है। बाकी इसका काम शाम हुआ सारा इंजन का, तो ये आपके सामने है। और उसके अलावा इसका ये रेडिएटर देख सकते हैं, ये एक तो सर्विस करवाया सारा खुलवा के, और दूसरी चीज़ है इसका ऊपर से हमने पेंट भी करवा दिया ताकि ये साफ़ सुथरा लगे। उसके अलावा इसकी ये जो पट्टियाँ हैं, ये वाली पट्टी हो गई मुकम्मल, ये सारी नई डली है और इसको दोबारा रीपेंट भी किया गया। ये बॉनेट भी आपको दिखा देता हूँ अंदर से, ये बॉनेट भी अंदर से सारा रीपेंट किया गया क्योंकि ये हमने नया डाला था, तो इसलिए इसको रीपेंट भी कर दिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो गाड़ी की वीडियो आपने देख ली, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी आपको मैं इसका ख़र्चा भी बता देता हूँ कि इसके ऊपर कितने पैसे लगे हैं टोटल। इस गाड़ी के ऊपर टोटल जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपया ख़र्चा आया है, और जिसमें इसकी डेंटिंग वेंटिंग के तकरीबन 75,000 रुपये लगे हैं, और इसका इंजन का कुछ काम था, इंजन के जो है ना रिंग वगैरह डाले हैं, और ये इसका काम किया ऊपर वाला, तो इसके तकरीबन 25,000 रुपया खर्चा आया है। अगर मुकम्मल इंजन ओवरऑल करते हैं तो तकरीबन 45 से 50,000 रुपये के दरमियान जो है ना इसकी कॉस्ट आती है। उसके अलावा इसका सस्पेंशन किया गया, टायर और रिम्स के नए डले हैं, उनकी कीमत भी मैंने आपको बता दी है, तकरीबन 45,000 रुपये के जो है ना रिम टायर आए हैं इसके। और इसके अलावा इसके सीट्स वगैरह बनी हैं, वो तकरीबन 15,000 रुपये में बनी हैं, और काफ़ी सारी जो है ना एक्स्ट्रा इसमें चीज़ें आई हैं, जैसे व्हील कैप्स आए हैं, इसके वाइपर आए हैं, साइड मिरर्स आ गए, और काफ़ी सारी जो है ना वो चीज़ें इस तरह की छोटी छोटी, फ्रंट बैक बम्पर और इंटीरियर में और भी कुछ चीज़ें हैं, जिसके इसके कारपेट वगैरह सारे नए आए हैं, डिग्गी का भी और आगे सारे फर्शों वाले भी, और इसका एक फर्श गला हुआ था उसको भी हमने पीस लगाए हैं, तो ये सारा काम जो है ना इसमें किया गया। और इस गाड़ी की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी नहीं थी, नॉर्मल इसकी कंडीशन थी, और अब ये गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। कुछ गाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया भी लग जाता है, और कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिसके ऊपर जो है ना वो 1 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख इसमें भी तैयार हो जाती हैं, और टाइम भी इसी तरह रहता है, गाड़ी की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कितने टाइम में जो है ना वो गाड़ी तैयार होगी। तो ये गाड़ी तकरीबन 7 दिनों में तैयार होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जितने भी आपको प्राइसेस बताई हैं सिर्फ ये आज की डेट में है, 25 जुलाई की डेट में। अब मुझे आइडिया नहीं है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, 1 साल बाद देख रहे हैं, 2 साल बाद देख रहे हैं, 1 महीने बाद देख रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ जो है वो प्राइसेस चेंज होती रहती हैं, जैसे पेट्रोल और इनकी जो है डॉलर की प्राइसेस बढ़ती हैं, वैसे ही इनकी जो है ना मटेरियल की प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। तो जब भी आप वीडियो देखें तो कॉल करके या अपनी गाड़ी दिखा के अपनी गाड़ी का एस्टीमेट जो है ना वो फ्रेश एस्टीमेट हासिल करें। बाकी वर्कशॉप के बारे में आपको बता दिया, जे रोड लाहौर में हमारी वर्कशॉप है, फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास डेंटिंग पेंटिंग और मैकेनिकल काम किए जाते हैं गाड़ियों के, सारी गाड़ियाँ करते हैं हम, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, होंडाए, इन सारी गाड़ियों का जो है ना हम काम करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।